हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग बंद कर रखी है। काफ़ी टाइम से भी क्या, 1 साल हो चुका है। प्रॉपर जनवरी में मैंने व्लॉग अपलोड किया था, बट उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं आप सभी से। बट अब मेरे सारे ही व्लॉग्स प्रॉपर टाइम पे आएंगे क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे पिछले व्लॉग्स में सपोर्ट किया, उसी तरीके से मुझे आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहना। तो अभी जुड़े देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी शादी हो चुकी है। 27 नवंबर को मेरी शादी हुई है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके अपने ससुराल में सबसे मिलवाऊंगी। सबसे पहले मैं एक स्पेशल पर्सन से आप लोगों का मीटअप करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। व्लॉग को प्रॉपर पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गो। तो ये हैं मेरे हस्बैंड। तो अब हम दोनों मिलके ही ये चैनल ग्रो करेंगे। डिफरेंट मतलब डिफरेंट जरूर डिफरेंट कंटेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जरूर। है ना? तो आप कुछ बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट सारे व्यूअर्स को। मैंने देखा है कि इससे पहले जो व्लॉग बने हैं उसमें जो आपने प्यार दिया है और इस बीच में 1 साल का गैप, उसके बाद भी मैंने मैसेजेस या कंटेंट कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं कि जो आपको कह रहे थे कि आप अब ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स ने, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि व्लॉग्स क्यों बंद कर दिए। क्यों बंद कर दी? राइट तो काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं कंटिन्यू कि व्लॉग स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बोला था कि हाँ अब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी करूँगी, बट काफ़ी देर हो चुकी है शादी के बाद भी। क्योंकि शादी के बाद काफ़ी 2 मंथ सारे हो गए रिचुअल्स होते हैं, होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि हाँ अब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर सकती हूँ। मतलब एक अंदर से एक अंतरात्मा ने जवाब दिया कि भाई अब हाँ सारे काम निपट गए हैं, शादी से रिलेटेड, शादी के बाद, शादी से पहले, अब ब्लॉगिंग फिर से शुरू कर दो। हाँ एंड मैं पूरा सपोर्ट करूंगा ब्लॉगिंग को आगे कंटिन्यू रखने में। और मैं जो ब्लॉगिंग आगे हमारे आएंगे उसमें कुछ इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होगा, कुछ जर्नली होगा। एंड मैं अपनी वाइफ बेबो को पूरा सपोर्ट करूंगा आगे ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से आप सभी को मिलवाया मिलवाया ना, हाँ ऑफ मिलवाया। कोर्स। तो अभी मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगी। अभी भैया और दीदी कहीं जा रखे हैं, मतलब वो अपने मायके जा रही थी, तो आज वो आने वाले हैं। तो उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। अपनी सास ससुर मतलब मम्मी पापा होने वाले होने वाले ये शादी हो चुकी है हमारी मतलब नए, नहीं यार नए मम्मी पापा मम्मी ना, नए पापा मम्मी पापा से मिलवाऊंगी। नहीं भैया और दीदी मीन्स की इनकी जेठ और जेठानी जी, मतलब मेरे भाई और भाभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ व्लॉग में आगे। तो गाइज आज है 22 जनवरी। जो मैंने इससे पहले वाली क्लिप्स हैं उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद थोड़ा मैं कहीं चले गई थी तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये देखो ये महाराज अब क्या कर रहे हो? न्यूज़, मैं न्यूज़ देखता हूँ। इनका 24 आवर्स न्यूज़ ही चलता रहता है। तो आप बताओ आज क्या हुआ है? आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है लगभग 500 साल बाद, और ओके ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा क्षण, बहुत बड़ा दिन है। तो इसी के साथ मैं व्लॉग में आगे बढ़ रही हूँ। और अब मैं मेरे पति देव से तो सभी मिल गए थे, तो अब मैं अपनी जेठानी जी से आप लोगों को मिलवाऊंगी। दीदी आई थिंक दिए कर रही है। तो ये है मेरी दीदी मीन्स जेठानी जी। हेलो बोलो दीदी सबको। हेलो, राधे राधे बोलो। राधे राम, राधे, हाँ जय श्री राम, जय श्री है राम। हाँ। तो ये मेरी जेठानी है, बट हम हाँ लोग जाओ। काफी मस्ती करते हैं, है नी? तो क्या कर रहे हो दीदी आज आप, मैं दिए सजा रही हूँ है ना? आज, क्योंकि 22 जनवरी है। 22 जनवरी है और आज हम थोड़ी सी दिवाली दिवाली मनाएंगे। थोड़ी क्या, भरपूर दिवाली बनाएंगे, है नी? तो दीदी दिए तैयार कर रही है और दीदी ने आज क्या बनाया मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो दीदी ने आज टेस्टी सी मटर मशरूम बनाई है। दीदी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो जब तक ये यहाँ रहती हैं तो मैं इनको बोलती हूँ सब्जी आप ही बनाओ। और ये देखो कितने सारे दिए हम जलाने वाले हैं। ये हैं हमारी क्यूट सी जेठानी जी, हैं दीदी? हेलो बोल दो, फिर से बोल दो हेलो। हेलो, हेलो, तो मैं आपको थोड़ी झलक दिखाती हूँ बाहर की। हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है, देखो। हाय। तो मैं आप सभी को
घर दिखाऊंगी थोड़ा सा। अभी हमने दिए नहीं लगाए हैं, हमारे पास दो तीन दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इस वजह से हमने ज़्यादा डेकोरेशन की नहीं। लड़ी लगाना भी भूल गए, आपने लड़ी नहीं लगवाई ना? सॉरी, एक्चुअली आज हम पूजा में बिजी हो गए, कहीं गए हुए थे। मैंने आज दो मंदिरों में मेरा जाना हुआ पूजा के पर्पज से, तो इस वजह से तो अभी हम दिए लगाएंगे, फिर उसके बाद सबको दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे करें। तो इसी के साथ व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यस, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इसी के साथ हम व्लॉग की अब एंडिंग करेंगे और थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी करेंगे। अभी अभी हमने जस्ट डिनर किया है और हमने सिर्फ दिए जलाए हैं, पटाखे एक भी नहीं फोड़े या जलाए। क्यों नहीं जलाए? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा क्या कारण है? लेके ही नहीं आया आप, टाइम ही नहीं मिला लाने का। एक भी पटाखे खरीदने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इतना बिजी थे हम पिछले दो तीन दिनों से। अब वो भी क्यों? पूजा के पर्पस से। हाँ बिल्कुल, अभी हम एक घंटे पहले, एक दो घंटे हो गए शायद से, दो घंटे हो गए, और आधे घंटे में हमने जल्दी फूल मालाएं लगाई, लड़ियां भी नहीं लगाई आपको दिखी जितना आप लोगों को दिखाया। और ये पटाखे वटाखे लाने का टाइम ही नहीं मिला। मुझे तो सिर्फ फुलझड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट दिवाली में आपके लिए मैं ढेर सारी फुलझड़ियां लेके आऊंगा। पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूंगी, तो अब सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलेगी मेरी, तो मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। ये वाला व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, आगे आने वाले व्लॉग्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती। और सारे फैमिली मेम्बर्स एक एक करके मैं धीरे धीरे सबसे मिलवाऊंगी। व्लॉग की एंडिंग आज मेरे हस्बैंड करने वाले हैं, करो। गाइज, होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और ये वैसे भी इंट्रो व्लॉग था, और कोइंसिडेंस ऐसी रही कि आज के दिन 22 तारीख को हमने ये शुरू किया, जो कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में हम एक दिवाली के रूप में मना रहे हैं। एंड प्रॉमिस यू कि आगे जो हमारे ब्लॉग होंगे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होंगे और कुछ इन्फॉर्मेटिव होंगे। आगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे, एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। हाय गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हर बंदे को पता होता है कि ये लाइन तो ज़रूरी ठोकनी होती है। सो बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।